हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ब्रिजभूषण शर्मा और मैं मोदी केयर से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है ड्रीम व्हीकल बोनस या फिर कार फंड जिसको आप बोलते हो। अगर आपका मोदी केयर के अंदर कार फंड इकट्ठा हो चुका है और आप उसको निकालना चाहते हो या फिर आप अपनी सपनों की गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आप कैसे खरीद सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने टीम में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनका कार फंड इकट्ठा हो रहा है वो खरीद सकें। अभी हाल ही में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैंने अभी अभी मोदी केयर के कार फंड से अपनी बलिनो ऑटोमेटिक टॉप मॉडल खरीदी है। तो दोस्तों, क्या क्या स्टेप्स है आपको सारे स्टेप्स में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका जो फंड है वो ठीक ठाक सा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद ही आप कार फंड निकलवाइए। एटलीस्ट जो डाउन पेमेंट का कॉस्ट होता है वो आप निकलवाइए। तो उसका प्रोसेस क्या है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको कंपनी को मोदी केयर के मैनेजमेंट को लिख कर देना होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि आपका नाम लिखा होता है, आपका एमसी नंबर लिखा होता है और उसमें ये लिखा होता है कि आपका मोदी केयर कार फंड में इतना अमाउंट है। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है तो आप लिखोगे कि आपका एमसी नंबर 7500224 जो भी आपका एमसी नंबर है, और आपके कार फंड में 2 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और आप चाहते हो वो 2 लाख रुपए जिस भी कंपनी से आप कार खरीद रहे हो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल रोहन मोटर्स गाज़ियाबाद से अपनी कार खरीदी, तो आप वहां पर लिखोगे कि आप चाहते हो रोहन मोटर्स लिमिटेड को वो 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाए। इस तरह आपको लिखकर देना पड़ेगा। तो नंबर वन जो चीज़ है वो एप्लीकेशन लेटर आपको आपके एरिया सेल्स मैनेजर से मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डाउनलोड लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसको आपको हाथ से नहीं लिखना है, उसको आप एडिट करके वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप अमाउंट भरोगे, अपना एमसी नंबर भरोगे और अपना साइन जो है वो आपको साइन करके उस फोटो में अटैच करना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट में, वो आपको कंपनी को ईमेल के माध्यम से देना पड़ेगा। नंबर दो चीज़ है, जो कंपनी है जहाँ से आप कार खरीदने जा रहे हो, जो फ़ंड होता है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। वो जो कार फंड होता है वो जो आपकी कार वाली कंपनी है, जो आपके ऑटोमोबाइल शॉप है या जो जहाँ से आप कार खरीद रहे हो, वो जो शॉप है कार की, वहाँ पर वो पैसा जाता है। तो आपको इसलिए उनका एक कैंसिल चेक लेना होगा और वो मोदी केयर को भेजना होगा कि आप रोहन मोटर्स लिमिटेड या फिर जो भी आपका कार का ऑटोमोबाइल कंपनी है इसके अकाउंट में आप ये इतना अमाउंट डालना चाहते हो। नंबर दो चीज़, नंबर तीन चीज़ आपको चाहिए प्रोफार्मा सर्टिफिकेट। प्रोफार्मा सर्टिफिकेट क्या होता है, प्रोफार्मा इनवॉइस जिसको बोलते हैं। जब भी आप कार खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल आपने अपनी कार बुक करा ली है 11,000 रुपये देकर 21,000 रुपये देकर आपकी कार बुक हो गई है, तो कार खरीदने से पहले पूरी पेमेंट देने से पहले एक ऑप्शन होता है, आप अपने कार डीलर से बोलोगे कि भाई साहब मेरे को प्रोफार्मा इनवॉइस दे दो, तो आपको जो कार का टोटल बिल होता है, आपको कार का मॉडल, कार का कलर डिज़ाइन, जो भी आपका कार का मॉडल है वो लिख के दे देगा कि आपकी कार जो है वो 10 लाख की, 8 लाख की, जो भी अमाउंट है इतनी की है, और वो अपना सील मोहर ठप्पा मार के आपको वो इनवॉइस दे देगा। तो ये जो प्रोफार्मा है ये आपको कंपनी को भेजना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली तीन चीज़ें भेजनी है। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन लेटर लिख के भेजना है जिसमें आप अपना वैल्यू जो भी कार फंड का है वो भेजोगे, अपना एमसी नंबर, अपना साइन। नंबर दो, आपको अपना प्रोफार्मा इनवॉइस भेजना है जो भी है, और नंबर तीन वो जो आपका ऑटोमोबाइल कंपनी है उसका कैंसिल चेक भेजना है। उसके बाद 2-3 बार आप फॉलोअप करोगे अपने एरिया सेल्स मैनेजर के साथ, वो आपको कंसर्न पर्सन का मोबाइल नंबर दे देंगे, आप उनसे कॉन्टेक्ट करोगे तो वो जो कार फंड है वो आपका विद इन 7 to 10 days में आपके कार के कंपनी में जाएगा। तो ये जो अमाउंट है जो कार का जो ऑटोमोबाइल कंपनी है रोहन मोटर्स लिमिटेड मेरे एग्जांपल में, इसको कंपनी दे देगी। उसके बाद से आपका जो फंड है उसके बाद से वो आपके अकाउंट में आएगा। आपका जो भी कार का ईएमआई बनता है, अगर आप फाइनेंस कराते हो तो वो जो ईएमआई बनता है वो कंपनी आपके अकाउंट में दे देगी। जो अभी आपका कार फंड था, जब तक आपने कार नहीं ली थी तब तक तो कंपनी के पास, मोदी केयर के पास इकट्ठा हो रहा था, और जब वो आपने कार खरीद ली तो उसके बाद कंपनी के पास इकट्ठा नहीं होगा। वो जो पैसा है, वो जो कार फंड है, वो सीधे के सीधे आपके अकाउंट में आएगा। जो भी आपके पे आउट का पार्ट है मोदी केयर का, जो कार फंड होता है वो सीधे आपके अकाउंट में आएगा। जब जब आप कार फंड क्वालिफाई करोगे तब तक आपके अकाउंट में आएगा, और जो भी ईएमआई है आप उससे पे कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं हुई है कार फंड को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।